गुड मॉर्निंग मिथेरियंस, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये जो मेरा वीडियो है दोस्तों, वो जाहिर सी बात है बाइनांस फ्यूचर लिस्टिंग को लेके है, क्योंकि हम सभी जो हैं इस टाइम पे जो हम कलेक्टिवली एफर्ट कर रहे हैं बाइनांस फ्यूचर नेक्स्ट पे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, और जो हमारा कलेक्टिवली टारगेट है कि हमें 1 लाख यूजर के साथ 50 लाख जो है वो पिक लेकर आनी है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है आज 28 अगस्त है और हम नंबर 1 की पोजीशन में आ जाएंगे, और अगले 2-3 दिन जो है हम अपने बेस्ट से बेस्ट एफर्ट देंगे जो हम अपने टारगेट को मैच कर पाए। लेकिन इन बिटवीन जो मेरी कल की कॉल रही है हमारी कॉर्पोरेट टीम के साथ, तो उसका अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। वो अपडेट क्या है, जैसे आपको पता था कि जो 2024 का एमकॉइन का रोड मैप है और राइजर का रोड मैप है, तो दोनों कॉइन जो है वो Tier 1 एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने वाले थे। दिसंबर तक तकरीबन 4 एक्सचेंजेस जो हैं एमकॉइन और राइजर की ऐड होने वाली थी। तो दोस्तों अभी इस आपकी सीरियसनेस को देखते हुए, जिस तरीके से हमारी कम्युनिटी वोट कर रही है, तो हमारी कंपनी ने भी अपने रोड मैप को जो नेक्स्ट 4 मंथ में होने वाला था वो सिर्फ सितंबर मंथ में ही हो जाएगा। मतलब जो हमारी अपकमिंग 4 एक्सचेंजेस आने वाली थी एमकॉइन को लेके, राइजर को लेके, जहां पर एमकॉइन और राइजर लिस्ट होने वाला था, वो काम अभी सितंबर मंथ में ही हो जाएगा। तो दोस्तों इन बिटवीन मुझे लगता है अगले 3 से 4 दिन में हमारे बीच में एक एक्सचेंज की अनाउंसमेंट आ जाएगी कि इस दिन से ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है। तो 4 एक्सचेंजेस की जो ट्रेडिंग है और जो लिस्टिंग है, ये कंप्लीट जो भी प्रोसेस है वो कंपनी हमारी जो है वो सितंबर मंथ में ही कर देगी। और इन 4 एक्सचेंजेस का जो क्राउड है वो अप्रोक्स 400 मिलियन यूजर्स का है। तो दोस्तों 120 या 130 मिलियन तो सिर्फ बाइनांस के पास है, मैं उसको एक्सक्लूड कर रहा हूं। अगर मैं उसको इंक्लूड कर लेता हूं तो 500 मिलियन यूजर बेस इन एक्सचेंजेस का हो जाता है। और 500 मिलियन यूजर बेस दोस्तों, उसमें से कम अगर 1% भी लोग गो थ्रू करते हैं एमकॉइन प्रोजेक्ट को और एमकॉइन को बाय करते हैं, तो 5 मिलियन यूजर बेस नया जो है वो एंटर करता है। मतलब जितनी बड़ी कम्युनिटी अभी तक हमारी है 5 मिलियन लोगों की, उतनी ही 5 मिलियन लोग जो है वो नेक्स्ट मंथ में एंटर कर सकते हैं। मतलब नेक्स्ट 30 डेज की मैं बात कर रहा हूं, सितंबर मंथ के अंदर। तो दोस्तों यहां पर जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो प्रिडिक्ट है, अगर हम बात करें तो जो एक न्यू ऑल टाइम हाई जो है हम देखना चाहते थे एम कॉइन के अंदर, राइजर के अंदर, वो हमें नेक्स्ट 30 डेज में देखने को मिल सकता है। और मैं इस चीज को लेके बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि इससे प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी भी बनेगी। क्रेडिबिलिटी तो ऑलरेडी बाइनांस के नॉमिनेशन से ही बन गई है, लेकिन जब हमारा एम कॉइन बिट गेट या इन बड़ी बड़ी Tier 1 एक्सचेंजेस जो टॉप 10 में आती है, जब उनके ऊपर ट्रेड होगा, तो ऑटोमेटिकली जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो अप टू $10 मिलियन चला जाएगा। और जब $10 मिलियन जाएगा तो जाहिर सी बात है प्राइस में भी कोई मूवमेंट आएगी। तो अभी जो 60 सेंट और 62 सेंट के अप्रोक्स चल रहा है, तो यहां से हम इजिली 3x जो है वो अपने प्राइस को देख सकते हैं नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर। मतलब इजिली $1.50 से लेके $2 का जो प्राइस है वो एमकॉइन का जा सकता है ड्यू टू लिस्टिंग और ड्यू टू न्यू यूजर इन्वॉल्वमेंट। क्योंकि 5 मिलियन लोग भी अगर आते हैं दोस्तों, आप खुद एनालाइज कीजिए कि मार्केट के अंदर कितने एमकॉइन जो है भी सर्कुलेशन में होंगे लोगों के पास। 177 मिलियन तो टोटल है। अगर मैं बात करूं तो हद से 20 या 25 मिलियन लोगों के पास कॉइन्स होंगे जिसको वो सेल कर सकते हैं। तो ये जो 20 से 25 मिलियन कॉइन है, अगर 5 मिलियन यूजर जब एंटर करते हैं दोस्तों, अगर ऑन एवरेज भी मैं लगाऊं कि $100 एक यूजर डालता है, जबकि ये बहुत छोटा अमाउंट है, तो कितना बड़ा अमाउंट जो है $500 मिलियन बनता है।
अगर $100 भी एक यूजर डालता है दोस्तों, तो अगर $1 का प्राइस है मतलब 500 मिलियन कॉइन खरीदे जा सकते हैं। तो आप इमेजिनेशन कीजिए कि एम कॉइन का प्राइस किस नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। और इसीलिए दोस्तों हमारी मीथर की जो टैग लाइन है, डिस्कवर योर नेक्स्ट लेवल, तो डेफिनेटली यहां पर हमारी जितनी भी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है और जो भी हमारी अपकमिंग कम्युनिटी आने वाली है, नई कम्युनिटी जो शायद हम 4 साल में बिल्ड कर पाए हैं, वो कंपनी नेक्स्ट 2 से 3 मंथ के अंदर उतने ही यूजर को कैप्चर कर लेगी अपनी लिस्टिंग से, अपनी क्रेडिबिलिटी से। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा एम कॉइन को बाय करवाइए। जो भी आपके नियर डियर हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, क्योंकि इस मौके को वरना आप हमेशा रिग्रेट करेंगे कि हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, हमने ग्रैब नहीं किया। और साथ में अपने लोगों को इनकरेज कीजिए कि वो ज्यादा से ज्यादा बाइनांस के ऊपर एम कॉइन की पिक बाय करें, ताकि हम 50 लाख पिक और 1 लाख यूजर का टारगेट जो है वो जल्दी अचीव कर पाए। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपके साथ अपडेट शेयर करूंगा तो आपको भी पता होगा कंपनी का रोड मैप क्या है। थैंक यू सो मच। वी आर वन, वी आर मीथर, वी आर नंबर वन।